अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफी डॉट कॉम में। दोस्तों हम आए हैं बड़ौदा की जुम्मा मंडी में। दोस्तों तीन बकरे हैं गुजरी नस्ल में। ये गुजरी बकरे कितने महीने के हो गए? ये लगभग 5-6 महीने के आसपास। 5-6 महीने के आसपास के। एक मुंडा है और एक सिंह वाला है, देख सकते हो। जो सिंह वाला है माशाल्लाह गुलाबी मुंह का है, फेस भी अच्छा है। क्या कीमत रखी है सिंह वाले की? 12.5। और ये मुंडा है इसकी? 14,000 रुपये। और पीछे देसी में ना? देसी 11,000 रुपये। 11,000 का है। कितने महीने का होगा देसी? 4.5 महीने का। 4.5 महीने का। कितने? 11,000 रुपये। और ये पट है? पट 11,000 रुपये। साजी भाई कॉन्टेक्ट नंबर? 7048 26 26 08। ये जो प्राइस बताई उसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। अगर कोई देखने आना चाहता है तो कॉन्टेक्ट करें, एड्रेस उनके घर पे देखने मिल जाएगा। ये हाथीखाना के पास में ही रहते हैं। पूरी क्रॉस फीमेल है, 8 दांत कर चुकी है, अभी खाली है। भाई जोहेल क्या कीमत रखी अपने? 16,000 आगे पीछे हो जाएगा? 16,000 कीमत रखी है, नेगोशिएबल हो जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर 9327 5928 7। ठीक है, फीमेल अच्छी है, तोतापुरी क्रॉस में है। मसाला हंटेल मेल है, एक अंडू है और एक खस्सी है। ये अभी एकता नगर पे आए हुए हैं, आजवा रोड एकता नगर। वहाँ पे अगर किसी को पूछोगे तो आपको एड्रेस बता देंगे। और जो बड़े वाला है इसकी कीमत 15,000 रुपये, और जो छोटा है वो खस्सी है उसकी 10,000 कीमत रखी है। एकता नगर में क्या नाम से? पिंकी आपा। ठीक है, पिंकी आपा करके अगर एकता नगर आजवा रोड पे कोई जाता है तो पिंकी आपा करके पूछोगे तो आपको एड्रेस बता देंगे, इनके वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। ये सोजत में है, देख सकते हो दोनों मुंडे बकरे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत है। 4 दांत माशाल्लाह अच्छा बकरा है। और पेलो केला दांत पर जा? 6 दांत पर जा। शू कीमत शू राखी जा वाइट ने? 40 कीमत। अच्छा 40,000 बोल रहे हैं लेकिन नेगोशिएबल हो जाएगा। और जो पीछे लाल वाला है उसके 35,000 रुपये कीमत, उसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा। दोनों मुंडे हैं, जो ये 6 दांत पे है और ये 4 दांत पे। और किशनवाड़ी ना पड़े, अगर कोई बड़ौदा का है अगर देखने जाना पड़े तो किशनवाड़ी में। 9998 98 87 43 24। ठीक है, ये सूर्या भाई का नंबर दिया है मैंने। अगर किसी को इंटरेस्ट है बकरों में, या तो भी कोई भी बकरे मंगवाने हैं काठियावाड़ी नस्ल के भी, अगर तो भी कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह इनके पास अच्छे अच्छे बकरे आते रहते हैं, अंडू बकरे भी आते रहते हैं। देसी बकरे शू कीमत लागे आपड़े? 13,000। एक ना बे ना 13,000 रुपया बराबर। भाई यहाँ पे अभी कीमत का तो कमेंट किया था भाई ने कि कीमत भी पूछो, लेकिन दोस्तों कीमत पूछने में अभी क्या, ये गांव से आते हैं, ये सिटी के व्यापारी नहीं है, तो जो समझो कि जो व्यापारी हो ना वो प्राइस वगैरह देने में कोई तकलीफ नहीं होता। गांव वालों को पूछने में और उनको ऐसा लगता है कि यार ये फिर दूसरी बार वीडियो उतारने का भी ना बोल देते, उसलिए मैं ज़्यादा भाव का नहीं पूछता। क्योंकि एक बार अगर भाव पूछ के मैं डालूंगा ना तो फिर दूसरी बार वो लोग वीडियो बनाने से मेरे को ना बोल देंगे भाई वीडियो मत बनाना, ऐसा बोल देते। उस वजह से मैं भाव नहीं पूछता। अगर आपको समझ में आता था तो आ सकते हो, क्योंकि जो भी कटिंग का माल तो समझो कि जो बड़ौदा का है वही आएगा यहाँ पे, या तो आसपास का है, दूर के तो आने वाले नहीं है। तो क्या अगर वो तो जानवर भी चेंज होते रहते, लेकिन कीमत मैंने आपको बताया आगे जो बताया 13,000 के दो हिसाब से। घेटा है, बड़ा है,
वेट होगा 60 केजी के ऊपर ही होगा। छोटे बच्चे भी है गेंटे में, गुलाबी में। ये इस भाई सौदा कर रहा है, ये जो भाई ने रस्सी पकड़ी है। 5-6-7 हज़ार के आसपास के जानवर है, समझो 5 हज़ार से स्टार्ट होते हैं छोटे, 4,500-5,000 जैसे जानवर ऐसे, वो तो तुम डिस्कस करोगे तो भाव में सेट हो जाएगा। लेकिन कटिंग का माल तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। बच्चा जाना केला होना से माय गॉड 10-11 महीने के बच्चे छोटे है भाई को।